राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत ज्ञान वर्धक कार्यक्रम सूखे पर काबू पाओ। एक पहाड़ी के पास बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। गांव के चारों तरफ खूब पेड़ पौधे लगे थे और वहां ढेर सारे पशु पक्षी भी मजे से रहते थे। गांव के लोग मेहनती थे और तरह तरह की फसल उगाते थे। वो मिलजुल कर रहते थे। कुछ सालों के बाद लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वे पेड़ पौधे काटने लगे। फिर एक साल बारिश नहीं हुई। नदी, कुएं, तालाब सब सूखने लगे। पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। पानी न होने के कारण फसलें भी सूखने लगीं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस भयंकर सूखे से निपटने के लिए एक दिन गांव की चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे हुए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी सरपंच जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बारिश नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? मेरी बकरियां तो पानी के बिना मर जाएंगी। तरफ रही है। और कितने दिन तक ऐसे भुगतेंगे हम लोग? अरे वो आ रहे सरपंच जी। सरपंच जी आ गए। अरे सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। बैठो बैठो बैठ जाओ। सरपंच जी सारी फसलें सूख गई। बारिश का नामो निशान नहीं है। दाने दाने को तरस रहे हैं हम लोग। इस तरह कैसे जिंदा रहेंगे हम? हाँ बारिश तो आ ही नहीं रही। पता नहीं बारिश क्यों नहीं आ रही। बादलों की राह देखते देखते सारा दिन निकल जाता है सरपंच जी। गांव के सारे कुएं और तालाब सूख चुके हैं। इस भयंकर सूखे से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी सरपंच जी? हाँ माधव ठीक कहते हो। देखो भैया मैं आप सबकी परेशानी समझता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैंने अधिकारियों को पहले ही चिट्ठियां भेज दी हैं। चिट्ठी 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 तो भेजी थी। हाँ चिट्ठी भेजी। और भाइयों अब तो तार भी कर दिया है। हाँ सरपंच जी रोज न जाने कितने मील दूर जाती हूँ तब कहीं जाकर आधा घड़ा पानी मिलता है। जानता हूँ राम प्यारी मैं सब जानता हूँ। हाँ सरपंच जी ऐसा सूखा पड़ा है कि सारे जानवर प्यास से दम तोड़ रहे हैं। माधव मैं वो भी जानता हूँ और देखो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दूर के गांव से पानी का एक टैंकर आज शाम तक आ जाएगा। बस एक टैंकर? एक टैंकर पानी? एक टैंकर पानी से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा एक टैंकर पानी। भाइयों फिलहाल तो उसी से हम सब लोगों को काम चलाना होगा। फिर तो मेरी गाय भोली भी खूब पानी पी सकेगी। सरपंच जी एक टैंकर से क्या होगा? झुम्मन भैया अब इस मुश्किल का सामना हम सबको मिलजुल कर ही करना होगा। हौसला रखो हौसला रखो। खाने को दाने नहीं पीने को पानी नहीं सरपंच जी और आप हौसला रखने की बात करते हैं। सब ठीक हो जाएगा मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ। अभी ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी दूर से बाबूलाल डाकिया आता दिखाई दिया। बच्चों ने उसे देखा
तो बोल पड़े, डाकिया चाचा डाकिया चाचा, हमारी कोई चिट्ठी है? अरे दीपक बेटा, सरपंच जी के नाम तार है। मुझे दो, मैं देती हूँ ताऊ जी को। लाओ बिटिया लाओ, इधर लाओ, देखूं कहाँ से आया है तार। अरे देखो तो, मन ही मन तार को पढ़कर सरपंच जी कितने खुश हो रहे हैं। लगता है कोई अच्छा समाचार आया है। हाँ, तार में क्या लिखा है ताऊ जी? हाँ भाई, सुनकर तुम्हें भी खुशी होगी। हैं? सुनो ध्यान से सुनो। हाँ। सूखे से निपटने के लिए राहत सामग्री लेकर अन्न से भरा ट्रक कल तक पहुंचने वाला है, और पानी के टैंकर भी हम सब के लिए आ रहे हैं। अब कोई अच्छा समाचार आया, अब सूखे से राहत मिलेगी। पर ताऊ जी, सूखा पड़ता क्यों है? देखो बेटा, बहुत ज्यादा पेड़ों का काटना सूखा पड़ने का मुख्य कारण है, समझ रहे हो ना? इसीलिए तो कहते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल ठीक है सरपंच जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। हाँ सरपंच जी, हम पेड़ बिल्कुल नहीं काटेंगे, करेंगे। ताऊ जी, मास्टर जी कहते हैं अगर एक पेड़ काटो तो उसकी जगह दो पेड़ लगाओ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इतना ही नहीं, जब बरसात का मौसम आए तो हमें ज्यादा से ज्यादा नए पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मैं तो बहुत से नए पेड़ लगाऊंगा। मैं भी सरपंच जी, मैं भी पेड़ लगाऊंगी, मैं भी पेड़ लगाऊंगी, और हम भी पेड़ों की देखभाल करेंगे। शाबाश शाबाश। और देखो एक बहुत जरूरी बात। वो क्या? शहर से कुछ लोग आएंगे जो हमें बताएंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। कैसे? वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है ताऊ जी? हाँ, ये क्या होता है सरपंच जी? देखो राम प्यारी, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है एक प्रकार से जल की खेती। ये एक तरह से जल का संरक्षण ही है। अच्छा, ये बात तो ठीक है। भाइयों, कल शाम को फिर मिलते हैं शहर से आए लोगों से जल की खेती के बारे में जानने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं। ताऊ जी। हाँ बोलो बेटा। हमारे मास्टर जी ने हमें एक कविता सिखाई है, वो सूखे के बारे में ही है, सुनाओ। हाँ भाई, वो तो हम जरूर सुनेंगे। सुनाओ सुनाओ। घर सूखे से बचना चाहो, पेड़ खूब लगाओ तुम, नहीं इन्हें तुम काटो चीरो, बल्कि इन्हें बचाओ तुम। पानी बहुत जरूरी समझे, बेकार न इसे बहाओ तुम, हर कोई जो समझ जाए फिर सूखे पर काबू पाओ तुम। घर सूखे से बचना चाहो, पेड़ खूब लगाओ तुम। बच्चों, अगले दिन जब विशेषज्ञ आए तो उन्होंने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण के लिए बड़ा सा एक गड्ढा जमीन में खोदा जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि गड्ढा उस ओर बनाया जाए जहां ढलान हो, जिससे पानी गड्ढे की ओर आ सके, या फिर गड्ढे के आसपास नालियां इस प्रकार बनाई जाती हैं जिससे सारा पानी एक दिशा में होकर गड्ढे की ओर आ सके। गड्ढे की दीवारें पत्थरों से इस तरह बनाई जाती हैं कि मिट्टी टूटकर गड्ढे के पानी में ना जाए। गड्ढे को भी मोटे पत्थरों से इस प्रकार भर देते हैं कि बीच की झिरियों से रिसकर वर्षा का सारा पानी जमीन के अंदर चला जाए। कुछ समय बाद लगातार पानी और मिट्टी के रिसाव से गड्ढे की झिरियां यदि बंद होने लगती हैं, तो पत्थरों को फिर से निकालकर उन्हें दोबारा डाला जाता है।
बच्चों, ये कार्यक्रम आपने सुना। हो सकता है इस कार्यक्रम को सुनकर कोई जिज्ञासा आपके मन में उठी हो। उसके बारे में तथा कार्यक्रम के बारे में अपने अध्यापक तथा अपने मित्रों से चर्चा करें। सूखे पर काबू पाओ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख बलजीत कौर, कलाकार अमिताभ वर्मा, जैमिनी कुमार, बी एल टंडन, सुनील लोहिया, मनीषा गोस्वामी, मान्या हन्ना और आरुण, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।